अस्सलाम वालेकुम, मैं हमज़ा खान। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो आज मैं अपने मामू जान के साथ आया था एक बाग के अंदर, यानी कि अमरूदों का बाग है, तो यहाँ पे अमरूदों का पता करने के लिए ना। तो अभी मैंने देखा कि अमरूद बहुत छोटे छोटे हैं और कच्चे हैं अभी इस वक्त ना, और क्या नाम है, मामू जान उधर काम करा रहे हैं, ये देखें जी। तो व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको भी थोड़ा सा माहौल दिखाऊँ, थोड़ा सा ना गाँव का माहौल होता है किस तरह का है। और इस वक्त अमरूद बहुत कच्चे कच्चे हैं, हमने समझा था कि अमरूद ना काफ़ी पक्के पक्के होंगे। उस उधर टोकरी पड़ी हुई है, उसमें भी कच्चे कच्चे अमरूद हैं, ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे हैं। और ये भी है, ये देखें जी। और जगह देखते हैं, अगर वहाँ पे अमरूद है ना अगर पक्के हुए तो आज इंशाल्लाह हम घर ले कर जाएँगे। तो यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए अमरूद, ये देखें जी। बड़े बड़े तो हैं मगर ये कच्चे हैं, ये देखें जी। तो ये बाग जो है काफ़ी बड़ा है अमरूदों का ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर भी सारे अमरूद अमरूद लगे हुए हैं, और पटली साइड पे भी सारे के सारे ना अमरूद ही लगे हुए हैं। तकरीबन मैं समझता हूँ ये ना तकरीबन 10 एकड़ के अंदर ना ये बाग होगा, और आगे भी जो है ना वो भी अमरूदों का ही बाग है ये सारा ना। आगे ये बड़ी मोटर चल रही है, दिल तो मेरा कर रहा है इसके अंदर नहाऊं, मगर सर्दी बहुत ज़्यादा है, ये ना हो के ना सर्दी लग जाए मुझे। ये देखें जी, मेरे ख्याल से ना ये अमरूदों को लगा हुआ पानी ना, वो पल्ली साइड पे जा रहा है पानी, वो देखें जी यहाँ से ना, यहाँ से पानी जा रहा है वो आगे। मेरे ख्याल से आगे ना वो गंदम की फसल लगी हुई है, और जो हमारे मामू जान की गंदम है ना वो अभी छोटी है, जो वो सामने गंदम लगी हुई ना उसका सिट्टा भी ऊपर आ गया है, तो दाना मेरे ख्याल बनने स्टार्ट हो गया अभी। वो देखें जी काफ़ी दूर है, मैं जाके आपको व्यू दिखाता हूँ वहाँ का ना। दो तरह की गंदम लगी हुई है यहाँ पे, एक मेरे ख्याल से 15 मिनट बाद तो काश्त हुई है, एक 15 मिनट पहले काश्त हुई है। तो ये जो गंदम है इसका सिट्टा बिल्कुल नहीं आया, ये देखें जी। और जो ये वाली गंदम है ना इसका सिट्टा आ चुका है, मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ इसको, ये देखें जी सिट्टा आ चुका है तकरीबन ये ना, उससे ये पहले तैयार हो जाएगी, ये देखें जी। तो ये बाग जो है ना काफ़ी फैला हुआ है, आगे जाके देखते हैं अगर वहाँ पे कुछ अमरूद मिल गए ना हमें, तो इंशाल्लाह वो आपको व्यू दिखाएंगे वहाँ का। तो ये मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लेट आया हूँ इधर, तो जो जितने भी अमरूद लगे हुए थे ना वो मेरे ख्याल से जो इन्होंने सेल करते हैं सारे के सारे ना, तो अब ये कुछ अमरूद लगे हुए बिल्कुल छोटे छोटे, उन्होंने निकाल था अब आज, मैं काफ़ी लेट आया हूँ इधर ना। तो ये देखें जी, तो पता करते हैं अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं घर की तरफ। पानी लगता है कि बहुत गंदा है यहाँ का ना, काफ़ी नमकीन नमकीन सा है, और ना हमारे घर का पानी तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ फिल्टर हुआ पानी नहीं है, ऐसे लगता है कि ना पता नहीं अजीब तरह से पानी जो है ना वो मैंने पिया है, तो यहाँ का पानी ठीक नहीं है। तो मामू जान उधर काम करा रहे हैं, तो चलते हैं उनके पास, लगता नहीं कि वो हमें नज़र आएंगे क्योंकि वो काफ़ी मसरूफ़ हैं इस वक्त ना। तो कुछ अमरूद टोकरी के अंदर पड़े हुए हैं, वो देखता हूँ अगर पड़े हुए ना मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मगर है वो कच्चे, तो मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ ही। अंदर भैंसें भी खड़ी हुई हैं तकरीबन, पहले जो भैंसों का वो था ना फार्म काफ़ी बड़ा था, अब छोटा हो गया। तो ये देखिए ये थे वो खूबसूरत अमरूद जिनकी मैं बात कर रहा था आपको, तो ये वैसे खा तो नहीं सकते मगर है ये कच्चे, मगर काफ़ी बड़े बड़े अमरूद अल्हम्दुलिल्लाह ना। तो एक मैंने खा के देखा है मगर वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ना ये भैंस खड़ी हुई थी मैंने इसको डाल दी है ना, क्योंकि मैं बैठा था काफ़ी बड़ा है मगर इसके अंदर भैंसें बहुत कम है, मेरे ख्याल से उन्होंने सेल कर दी सारे की सारी भैंसें ना। तो यहाँ पे हमारा ना ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ, मामू जाने इनको दिया था मेरे ख्याल से कुछ काम के लिए, तो मेरे ख्याल काम करने के लिए इधर आया हुआ है। तो ये देखें जी मामू जान वो सामने जा रहे हैं, काम वगैरह करा रहे हैं, इन्होंने कुछ प्लेटें वगैरह लगवाई हैं यहाँ पर। तो मामू जान से पूछा था कि आप देखेंगे कि काम सही हो रहा है गलत हो रहा है, तो मामू जान काफ़ी मसरूफ़ हैं तो उनसे भी बात नहीं हो सकती, तो इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे मामू जान से ना प्लेटों में, इंशाल्लाह मेरा एक ब्लॉग आएगा इंशाल्लाह। तो इस वक्त मैं घर में आ चुका हूँ, मामू जान मसरूफ़ थे उनसे मेरी बात नहीं हो चुकी, तो आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।